ये स्टंपिंग तो आपको याद होगा। 5 सितंबर 2004 को खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ थर्ड ओडीआई में एक 19 साल की लड़की की गजब की स्टंपिंग। 74 पर खेल रहे माइकल वॉगन को फुल लेंथ डाइव मार के स्टंप किया। मैच का वो क्रूशियल मोमेंट था। इंडिया ने इंग्लैंड को 23 रन से हरा दिया। कृष्ण कुमार, दिनेश कार्तिक, जिंदगी और क्रिकेटिंग करियर में बहुत उतार चढ़ाव आए। इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और डिप्रेशन के वजह से उनका करियर खत्म पर ही था। लेकिन जब आपने अच्छे कर्म किए होते हैं तो आपके बुरे वक्त में कोई ना कोई आपको संभालने आ ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन है टू गिव यू वैल्यू कॉन्टेंट। कृष्ण कुमार दिनेश कार्तिक का जन्म 1 जून 1985 को तमिलनाडु के थुट्टुकुडी शहर में हुआ। पिता कृष्ण कुमार एक प्राइवेट कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट थे और माँ पद्मनी कृष्ण कुमार ONGC में जॉब करती थी। कार्तिक के पिता अपने जमाने में फर्स्ट डिवीजन क्रिकेटर रह चुके थे, लेकिन फैमिली ने स्टडीज को प्रायोरिटी देने को कहा, जिसकी वजह से उन्हें क्रिकेट को छोड़ना पड़ा। कार्तिक के पिता को अपने जॉब के वजह से 2 साल के लिए कुवैत जाना पड़ा। वहां कार्तिक टीवी पे इंग्लिश काउंटी क्रिकेट देखते थे। देखते देखते उन्हें भी क्रिकेट खेलना पसंद आने लगा। 10 साल की उम्र से कार्तिक ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। उनके पिता उनके पहले कोच बने। वो नहीं चाहते थे जैसा उनके साथ हुआ वैसा ही उनके बेटे के साथ भी हो। पिता ने कार्तिक को ट्रेन करना शुरू किया। तमिलनाडु वापिस आने के बाद कार्तिक ने चेन्नई की डॉन बॉस्को मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। 8th स्टैंडर्ड से आगे की पढ़ाई उन्होंने यहीं से की। तमिलनाडु के यूथ टीम्स में कार्तिक एक अच्छे बैट्समैन और एजाइल विकेट कीपर थे। कार्तिक ने कोच रॉबिन सिंह के अंडर ट्रेनिंग करी। दिन ब दिन उनका परफॉर्मेंस निखरता गया। साल 1999 में कार्तिक का तमिलनाडु अंडर 14 स्टेट टीम में डेब्यू हुआ। अपने अच्छे परफॉर्मेंस और विकेट कीपिंग स्किल्स की वजह से उन्हें जल्द ही अंडर 19 स्टेट टीम के लिए प्रमोट कर दिया गया। तमिलनाडु के रणजी टीम में एक विकेट कीपर की जरूरत थी। अंडर 19 साइड में कार्तिक की फॉर्म और विकेट कीपिंग स्किल्स को देखते हुए उन्हें तमिलनाडु के रणजी टीम में चुना गया। साल 2002 में बड़ौदा के अगेंस्ट उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ। लीग स्टेज के 5 मैच में उन्होंने 179 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 35.80। सीजन के आखिरी मैचेस में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 11 कैचेस लिए, लेकिन विकेट कीपिंग में लगातार गलतियों की वजह से उन्हें फाइनल से ड्रॉप कर दिया गया। उस सीजन की दुलीप ट्रॉफी में भी उन्हें जगह नहीं मिली। साल 2003 की दुलीप ट्रॉफी में उनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा। 3 मैच में उन्होंने 180 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 60। इसके बाद उन्हें इंडिया अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया और नेपाल के अगेंस्ट खेले गए यूथ ओडीआई में उनका अच्छा प्रदर्शन था। अपने विकेट कीपिंग स्किल्स को और बेहतर करने के लिए कार्तिक ने फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर किरण मोरे से ट्रेनिंग ली। रणजी ट्रॉफी 2003-04 सीजन के लिए कार्तिक को कॉल आया। टूर्नामेंट के 6 मैच के 11 इनिंग्स में उन्होंने 438 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 43.80, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल थे। विकेट कीपिंग में 20 कैचेस पकड़े। बांग्लादेश में हुए 2004 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें इंडियन टीम में शामिल किया गया। इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 2 सेंचुरीज मारी। 2004 डोमेस्टिक सीजन में भी कार्तिक ने खूब रन बनाए। इन सब को देखते हुए 19 साल की उम्र में कार्तिक को सीनियर इंडियन टीम के लिए कॉल आया। 5 सितंबर 2004 को इंग्लैंड के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया। बैटिंग में तो उन्होंने सिर्फ 1 रन मारा, लेकिन अपने विकेट कीपिंग स्किल्स से सबका दिल जीत लिया। लॉर्ड्स के मैदान पर यह स्टंपिंग। 2004 ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में कीनिया के खिलाफ वो प्लेइंग 11 में थे, लेकिन बाकी के मैचेस में महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। अगला ओडीआई मैच उन्होंने अप्रैल 2006 में खेला। 3 नवंबर 2004 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया, लेकिन यहां भी वो अपने डोमेस्टिक सर्किट के फॉर्म को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे थे। अगले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनको टीम में रिटेन किया गया। 2 मैच में उन्होंने सिर्फ 47 रन बनाए। दिसंबर 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्हें बड़ा स्कोर बनाने का बहुत अच्छा मौका था। दोनों इनिंग्स में इंडियन टीम के स्कोर 500 प्लस थी, लेकिन कार्तिक की स्कोर 25 और 11 ही थी। इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और दूसरे विकेट कीपर के आगे कार्तिक का करियर थोड़ा धुंधला सा गया। महेंद्र सिंह धोनी जैसे बेहतरीन और उभरते विकेट कीपर कप्तान के होते हुए दिनेश कार्तिक को टीम में जगह बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना था। इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि दूसरे विकेट कीपर ने क्या किया और जिसकी वजह से कार्तिक को टीम में मौका नहीं मिला, क्योंकि कार्तिक अगर अपने मिले मौके पे बहुत बड़ा स्कोर बनाते तो उन्हें टीम में खुद ब खुद जगह मिलती। पटौदी ट्रॉफी 2007 में वो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे। 21 साल बाद इंडिया को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जिताने में उनका बड़ा योगदान था।
तीन मैच की 6 इनिंग्स में उन्होंने 263 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 43.83, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी शामिल थे। 2008 आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स ने कार्तिक को अपनी टीम में शामिल कर लिया। साल 2011 में जो हुआ उसने कार्तिक को पूरी तरह से हिला के रख दिया। उनके शादीशुदा जिंदगी में बहुत बड़ा मसला हो गया, जिसकी वजह से साल 2012 में उन्हें उस रिश्ते को खत्म करना पड़ा। कार्तिक के लिए ये एक बहुत ही बड़ा झटका था। इस गम से वो उबर नहीं पा रहे थे और इसका सीधा असर उनके परफॉर्मेंस पर दिख रहा था। लेकिन जब आपने किसी के साथ गलत ना किया हो तो ऊपर वाला किसी न किसी तरीके से आपको बुरे वक्त से निकाल ही लेता है। कार्तिक के दोस्त अभिषेक नायर ने उनकी खराब परफॉर्मेंस और डिप्रेसिंग लाइफस्टाइल को देखा। उन्होंने कार्तिक को अपने पास मुंबई बुला लिया, उनको कई महीनों तक ट्रेन किया। जिस तरह चांदनी चौक टू चाइना में अक्षय कुमार के गुरु ने उनसे जिस तरह के काम करवाए थे, उसी तरह नायर ने भी कार्तिक से अजीबोगरीब काम करवाए, जिसका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के बावजूद कार्तिक ने खुद को नायर के सामने सरेंडर कर दिया, और एक सक्सेसफुल इंसान की यही पहचान होती है। धीरे धीरे कार्तिक को अपने गेम में रिजल्ट दिखने लगे। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी एक झलक दिखी, वार्म अप मैचेस में 2 बैक टू बैक सेंचुरीज। इसी बीच उनके लाइफ में दीपिका पल्लिकल जैसी पार्टनर आई, जिन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में कार्तिक का साथ दिया। डोमेस्टिक मैचेस में कार्तिक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन नेशनल टीम में मिल रहे मौके पे अब भी कार्तिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। 2018 निदास ट्रॉफी के फाइनल में कार्तिक अपने बैटिंग पोजीशन से खफा थे। रोहित शर्मा ने उनसे पहले विजय शंकर को भेज दिया था। कार्तिक की बैटिंग आई, 2 ओवर में 34 रन चाहिए थे। कार्तिक ने 8 बॉल पे 29 रन मारे, इसमें आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए थे और कार्तिक ने छक्के से मैच को फिनिश किया। ये मैच लोगों को जमाने भर याद रहेगा। 2018 आईपीएल में केकेआर ने एज ए कैप्टन कार्तिक को टीम में शामिल कर लिया और अपने कप्तानी में उन्होंने टीम को प्लेऑफ्स तक पहुंचाया। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए कार्तिक को इंडियन टीम में शामिल किया गया, लेकिन यहां भी वो मौके का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए। डोमेस्टिक सर्किट में वो अब भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2022 आईपीएल में आरसीबी ने 5.5 करोड़ में कार्तिक को अपनी टीम में शामिल कर लिया और अब तक इस आईपीएल सीजन में उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। क्रिकेट पंडित टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए कार्तिक को इंडियन टीम में एज अ फिनिशर शामिल करने को कह रहे हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने 19 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया, लेकिन जब जब उनको टीम में खेलने का मौका मिला वो उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए। उनके पर्सनल लाइफ की वजह से भी उन्हें काफी डिस्ट्रैक्शन हुए, लेकिन एक सही दोस्त और साथी मिलने के बाद धीरे धीरे वो अपने आप को एक बेहतर क्रिकेटर साबित करने में जुटे हुए हैं। तो हम लोग प्रे करते हैं कार्तिक ऐसे ही मैचेस को फिनिश करके अपनी टीम को मैच जिताएं और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में खुश रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।